अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड पास्ट पेपर एमसीक्यूज का आज पार्ट 23 है। 22 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ओआईसी वाज फाउंडेड इन, ओआईसी का क़ियाम कब हुआ था? ओआईसी का क़ियाम 25 सितंबर 1969 को हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। OIC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। OIC का हेड क्वार्टर जद्दा सऊदी अरब में है। OIC के 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, अरबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। OIC के टोटल 57 मेंबर स्टेट्स है और ये 57 मेंबर स्टेट्स सारे इस्लामिक कंट्रीज है। OIC के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल का नाम है यूसुफ बिन अहमद। OIC का पहले नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, लेकिन 28 जून 2011 को इसका नाम चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन रख दिया गया। सेकंड क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज, दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरी कंट्री कौन सी है? इसका सही आंसर आता है ऑप्शन डी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, येलो सी लाइज बिटवीन, येलो सी कहाँ पर वाक्या है? तो येलो सी चाइना एंड कोरिया के दरमियान वाक्या है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंट्री ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड अपीयर्स एज लॉन्ग शो, कौन सी कंट्री मैप ऑफ वर्ल्ड पर एज ए लॉन्ग शो की तरह अपीयर होती है? तो उस कंट्री का नाम है इटली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट यील्ड वीटो पावर, तो इसमें से कौन सी कंट्री जो है वो वीटो पावर नहीं है? यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी कनाडा। कनाडा वीटो पावर कंट्री नहीं है। टोटल 5 वीटो पावर कंट्रीज है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। तो ये 5 वीटो पावर कंट्रीज है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो इज लोकेटेड इन, नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर वाकया है? नेटो का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स, बेल्जियम में वाकया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आता है। नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो का क़ियाम 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन DC US में हुआ था। नेटो के मौजूदा टोटल 30 मेंबर कंट्रीज है। नेटो के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल का नाम है जेंस स्टॉल्टनबर्ग। नेटो के 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सीमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया ऑन, सीमन कमीशन इंडिया को किस डेट को आया था? करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को सीमन कमीशन इंडिया में आया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 पाकिस्तान हैज द राइट टू यूज एक्सक्लूसिवली द वाटर ऑफ, इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुआ था, तो इस ट्रीटी के थ्रू पाकिस्तान को कौन से दरिया का पानी यूज करने का हक है? तो इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी चेन्नाब, जेहलम एंड इंडस। इंडस वाटर ट्रीटी 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के सदर अयूब खान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के दरमियान साइन हुआ था। किस डेट को साइन हुआ था? 19 सितंबर 1960 को। और इस प्रॉब्लम को, ये जो मसला था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इस मसले को वर्ल्ड बैंक ने सॉल्व किया था। और वर्ल्ड बैंक ने ये जो दरिया है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। बियास, रावी एंड सतलुज दरिया जो है इसको इंडिया को दिया था कि इसका पानी जो है वो इंडिया यूज करेगा, और रिवर चेन्नाब, जेहलम एंड इंडस इन तीनों दरिया को पाकिस्तान को दिया था कि इन दरियाओं का पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा। तो इस मसले को किसने हल किया था? वर्ल्ड बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट कौन सा है? करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है और ये सबसे फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है। और यहाँ पर आप लोग ये भी याद रखें कि फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट अराउंड द सन इज मरकरी।
सन के जो इर्द गिर्द सबसे तेज घूमता है तो वो प्लेनेट कौन सा है? तो वो प्लेनेट है मरकरी। और जुपिटर जो है ये अपने मदार में तेज घूमता है, और सन के जो इर्द गिर्द तेज घूमता है तो वो प्लेनेट है मरकरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑर्बिट्स अराउंड द सन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन? तो वो कौन सा प्लैनेट है जो सन के इर्द गिर्द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है? तो उस प्लैनेट का नाम है वेनस। वेनस वाहिद प्लैनेट है जो सन के इर्द गिर्द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आइसोबर्स आर द लाइंस कनेक्टिंग द प्लेसेस हैविंग सेम प्रेशर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द मास ऑफ द सन? सन का मास कितना है? करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी, 1.98 जरबे 10 की ताकत 30 केजी। तो ये सन का मास है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एन एग्जांपल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट का एग्जांपल इस ऑप्शन में कौन सा है? यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी, साइल। तो यहाँ पर आप लोग ये याद रखें कि एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट जो जिंदा ना हो, फॉर एग्जांपल के साइल, तो साइल जो है ये जिंदा नहीं होता, तो ये एबायोटिक कंपोनेंट में आता है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया ये जिंदा होते हैं, तो ये बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो जिंदा होते हैं, और एबायोटिक जो जिंदा नहीं होते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आता है, साइल। साइल जो है ये हमारे पास जिंदा नहीं है, तो ये एबायोटिक कंपोनेंट में आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पोल्यूटेंट्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज। तो वो पोल्यूटेंट जो एनवायरनमेंट में ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू इंट्रोड्यूस होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी, एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट। एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स टेम्परेचर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी एट वेरियस एल्टीट्यूड इन द एटमोस्फेयर। तो वो कौन सा आला है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर प्रेशर और ह्यूमिडिटी को मुख्तलिफ एल्टीट्यूड, जो एटमोस्फेयर का एल्टीट्यूड है वहाँ पर, इसको मेजर करता है टेम्परेचर प्रेशर और ह्यूमिडिटी को? तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑप्शन बी, रेडियो सोंडा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी? हाईएस्ट एनर्जी गामा रे की है। गामा रे जो है इसकी सबसे हाईएस्ट एनर्जी है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आता है। सबसे लोवेस्ट एनर्जी रेडियो वेव्स की होती है। दूसरे नंबर पर आता है इंफ्रारेड, तीसरे नंबर पर विजिबल, चौथे नंबर पर अल्ट्रावायलेट, पांचवे पर एक्सरे, और छठे पर आता है गामा रे। गामा रे की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है और रेडियो वेव्स की सबसे कम एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ? लार्जेस्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड लाइट का होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आता है। यहाँ पर आप लोग ये भी याद रखें कि रेड कलर जो है इसका लार्जेस्ट वेव होता है, और वाइट कलर, वायलेट कलर जो है इसका सबसे छोटा वेवलेंथ होता है। लार्जेस्ट वेवलेंथ रेड कलर का होता है, और वायलेट कलर जो है इसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ईच हदीस आर देयर? हदीस के कितने पार्ट होते हैं? तो हदीस के टू पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से है? सनद एंड मतना। यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी, टू पार्ट्स ऑफ हदीस। कौन कौन से है? सनद एंड मतन। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इज्मा आर देयर? इज्मा के टोटल कितने अक्साम होते हैं? तो इज्मा के टोटल तीन अक्साम होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हजरत इमाम तर्मिजी वाज अ स्टूडेंट ऑफ? हजरत इमाम तर्मिजी किसके स्टूडेंट थे? यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी, इमाम अबू दाऊद।
हजरत इमाम तर्मिजी इमाम अबू दाऊद के स्टूडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, आफ्टर स्लीपिंग फॉर 100 इयर्स ही अगेन वोक अप। तो इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए, हजरत उजैर अलैहि सलाम। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु इज कॉल्ड एज मुस्लिम अलेक्जेंडर। मुस्लिम अलेक्जेंडर किसको कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उकबा बिन नाफ। तो इसका करेक्ट आंसर आता है उकबा बिन नाफ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौजतैन मींस, मौजतैन का मतलब क्या है? तो मौजतैन का मतलब है टू स्पेसिफिक सूरा ऑफ होली कुरान। कुरान पाक के टू स्पेसिफिक सूरा को मौजतैन कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो वो कौन से टू स्पेसिफिक सूरा है जिसको मौजतैन कहा जाता है? तो पहला सूरा है सूरा अल फलक और दूसरा है सूरा अन्नास। तो इन दो सूरा को मौजतैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूरा बकरा कंटेन्स हाउ मेनी वर्सेस। सूरा बकरा में कितने आयात शामिल है? करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी 286, 286 आयतें हैं सूरा अल बकरा में। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज कॉल्ड अबू अल बशर। अबू अल बशर किस पैगंबर का टाइटल था? करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी, हजरत आदमा अलैहिस्सलाम। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।